शुक्रिया आपने समाज फरमा ली। वक्त मुख्तसर है, हम तो बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि आप लोग बस से पहले निकल आए, और जिसको अल्लाह चाहता है अपने घर में बुला लेता है। इसी बात आपको आप सबने सुनाई, उसकी मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। मैंने इंतजाम देना है, किसी आका ने कोई गुलाम खरीदा, किसी आका ने कोई गुलाम खरीदा, आका आप साहब ने बात की थी आने वाली, किसी गुलाम आका और गुलाम जा रहे थे रास्ते में मस्जिद आ, रास्ते में मस्जिद आ गई। गुलाम का नाम था शंकर, शंकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो गुलाम ने कहा, है मेरे आका, अल्लाह की घर की से बुलावा आ गया है, अगर तू थोड़ा इंतजार कर लेता मैं अल्लाह को हुजूर सजदा रेज हो जाऊं। आका ने कहा, कितनी देर लगेगी, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, जाके अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गया। जो आका था ना, वडेरा सरदार था, अब इंतजार करने लगा बाहर। उस बंदे मोमिन ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपने आका पे दुरूद व सलाम पढ़ने बैठ गया। हदीस पाक में आता है, अल इंतजार अशद्दु मिनल कद, इंतजार कदर से भी बुरा है, इंतजार कदर से भी बुरा है। काफी देर बीत गई ना, वो आका परेशान होने लगा, तड़पा, दरवाजे की तरफ मस्जिद के दरवाजे तक आया, और सरकार तुझे क्या हो गया, फला बंदा आया वो नमाज पढ़ के चला गया, दूसरा आया वो पढ़ के चला गया, पता नहीं तू कौन सी नमाज पढ़ने बैठ गया है, पता नहीं तू कौन सी नमाज पढ़ने बैठ गया है। सरकार ने कहा, अय आका, जो बाबे साहब ने बात कही थी, जो तुझे अंदर नहीं आने देता ना, वो मुझे बाहर नहीं जाने देता। जो तुझे अंदर नहीं आने देता, अंदर वाला मुझे बाहर नहीं जाने देता। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म की है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अजीजों भाइयों, ये हुजूर जिसे चाहती है अपनी महफिल में बुला लेती है, अपने जुलूस में बुला लेते हैं। ये किसी पैसे की, रोप की, दबदबे की बात नहीं, ये सिर्फ अंदर से धुआं उठता है, अंदर से। मैं पहले भी कहता हूँ, अगर अंदर खुशी हो तो आसार उसके बाद ज्यादा जाहिर होते हैं, अंदर गम हो तो चेहरे पे उदासी आती है, अपना वमेला करता है, शोर करता है, आए मैं पिट गया, मैं मर गया। आपने सुबह समाज की होगी, आप तो खुशी का इजहार कर रहे हैं, आगे से वमेला आ रहा है। पता नहीं इन सुनियों को क्या हो गया है, इनका तो बोल बाला हो गया है, इन्होंने हुजूर के मिलाद का बोल बाला कर दिया है। अजीजों भाइयों, शुक्र अदा करो कि मूसा करीम अल्लाह दुआ मांगते थे, मौला अगर उम्मत नहीं देता ना, इस उम्मत में पैदा फरमा दे। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। तो उसका जुलूस मना रहे हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं, ना मुझ पे एहसान, ना शाह साहब, ना हाजी मद्दूम साहब, जितने बड़े बैठ बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, माजरा, किसी पे कोई एहसान नहीं, अपनी बख्शिश का सामान बना रहे, अपनी बख्शिश का सामान बनवा रहे हैं। ये अंजुमन फैजान मुस्तफा, ये मेरा पैगाम, इनके साथ आप लोगों ने तावन करना है। दूसरा साल आपके सामने ये कमेटी वाले, इनका काम आपकी देखभाल, आपको रास्ते पे लगाना, कोई रेस नहीं लगानी, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी। अगली बात जो मेरा आखिरी पैगाम है, पूरे इलाके में बुजुर्गों से, भाइयों से, और आपने अपनी बीवियों को, माँ और बहनों को बताया, जो मेरा पैगाम है, आप ये कचरे वाले देखते हैं, कचरे वाले ये बड़े चोर हैं, ये बड़े चोर हैं, सिर्फ इनका बोल ही आपने नहीं देखना, इनके हालात आपने देखने हैं। ये कोई चीज घर में पड़ी हो वो उठा लेते हैं। आजकल एक शोषा चला हुआ है, हकीकत है ये कि ये बच्चे अगवा कर रहे हैं, ये हकीकत है, झूठ नहीं। इनके लिए आपकी निगरानी करनी है, देख
ये हमारे मोहल्ले से कचरा उठा रहा है, हो सकता है आप घर में ना किसी छोटे बच्चे को उठा के ले जाए, आपने इनकी निगरानी करनी है। फिर इसी जुलूस में आपने देखना है कोई मशकूक आदमी तो नहीं, कोई मशकूक आदमी तो नहीं, उसको देखे परखे, उसके चेहरे पे ना जाए, उसके दाढ़ी पे ना जाए, उसको आप पढ़ के ये ना समझे हमारे जुलूस में जा रहा है। हकीकत हो सकता है कि वो जहां दहशतगर्दी फैलाने आया हो, तो हर बंदा जिम्मेवार है, उसे सपोर्टिंग करनी है, देखभाल करनी है। और इंदा के लिए ये बुजुर्ग अगर तवान फरमाए, ऐलान कर दे अपनी अपनी मसाजिद में, अपनी अपनी मसाजिद में ऐलान कर दे, खबरदार भाई कोई कचरे वाला नहीं आ सकता। ये पैगाम है, अगर आप बड़े सरबराह दावन करें तो हम तो ऐलान कर देंगे भाई कोई बंदा नहीं आ सकता। हम घरों में नहीं होते, घरों में माँ और बहने होती है। ये आपने ऐलान करना है, इतिहाद करना है, तो इंशाल्लाह ये कचरे वाले ये ना हमारे बच्चे उठाएंगे या ना ये चोरियां करेंगे। ये मेरा पैगाम है। तो मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही पैगाम है कि हुजूर की मोहब्बत में हो, नमाज की पाबंदी करो। अगर वालदैन के ना फरमान है, अपने वालदैन की खिदमत करो। इसलिए कोई जुलूस मनाए या ना मनाए, कोई खुशी करे या ना करे, मैं अपनी माँ और बहनों से अल्लाह का कुरान आखिरी बात, वैसा खुशी राखा तो हो बेनुन सा जल्ला वज हो मुस्वता व कसीम। आप मैं बेटियों वाले हैं, किसी के हम बच्ची पैदा होती ना दौरे जहलियत में,